महागठबंधन तो दिख नहीं रहे, एनडीए से आम जनता खासी नाराज है। इस बार परिवर्तन होगा और निश्चित होगा। टक्कर में कोई दिख रहा है? टक्कर में कोई नहीं दिख रहा है। हनुमान नगर में जाते हैं बूढ़ा बुजुर्ग रोने लगते हैं कि आपने हमको एक साल का पुराना दिन याद दिला दिया कि आपका दूध मिला था तो हम अपने पोते पोतों को 2 दिन दूध पिलाए थे। लगातार 30 वर्षों से कुम्हराड़ विधानसभा बीजेपी के कब्जे में है और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, प्राथमिक विद्यालय नहीं, रामपुर नहर नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राजधानी पटना में रहते होंगे तो साल 2019 आपको याद है, पटना में जल जमाव हुआ था, कुम्हराड़ का जो पूरा इलाका है वो डूब गया था। पहली बार ऐसी त्रासदी हुई थी, लेकिन ऐसे में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने खूब बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद की थी। और राजेश पप्पू हैं, कुम्हराड़ विधानसभा से चुनावी मैदान में है। क्या लग रहा है पप्पू जी, सामने चुनौती कितनी कड़ी है? महागठबंधन है, एनडीए है। महागठबंधन तो दिख नहीं रहे, एनडीए से आम जनता खासी नाराज है। एनडीए के खिलाफ खासा गुस्सा दिख रहा है लोगों में? क्या विधायक है जो यहाँ चरमपुर है, लोग तो सवाल कर रहे हैं, जब बाढ़ थे तो लोग आए नहीं थे, इस बार क्यों आ रहे हैं? उनको भगाया जा रहा है। आप देखे होंगे जो अभी वर्तमान में विधायक है, उनका कैंपेनिंग लगभग ना के बराबर, उनके पार्टी के नेता लोग अदर लोग कर रहे हैं, वो खुद नहीं कहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको पर्सनली उनको विरोध है। नहीं, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका भी नाम है राजेश रंजन और पप्पू यादव, आप भी राजेश रंजन पप्पू हैं, तो कितना मिलता जुलता नाम है? क्या छवि भी वैसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम लोग लगातार संघर्ष किए हैं, बाढ़ में भी उनके साथ कदम से कदम मिला के हम लोग लगातार चले थे, और कुम्हराड़ की जो समस्या है उस पर चर्चा कर रहे हैं लोगों से। बड़ी विडम्बना है कि देश को आज़ाद हुए 73 साल हो गया और एकमात्र राजेंद्र नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, बाकी 17 वार्ड में फैला हुआ है लगभग कुम्हराड़ विधानसभा, किसी वार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। बिहार में एकमात्र स्टेडियम है राजेंद्र नगर स्टेडियम जो कुम्हराड़ में अवस्थित है, मगर झारखंड बिहार से अलग हो जाता है, वहाँ नया स्टेडियम बन जाते हैं और हर साल 2 से 3 मैच होते हैं, मगर ये स्टेडियम जो बना हुआ है वो यहाँ एक समझे से CRPF के कब्जे में है, वहाँ कोई युवा वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपने बताई है क्या कुम्हराड़ में, पटना में स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है? आप देख ले, हमारे तो कल लाइव में थे कोई चैनल पर, उसमें हम सब बीजेपी के नेताओं से कहा कि आप है तो आप बताइए कहाँ है, उनके पास जवाब नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, प्राथमिक विद्यालय की बात कीजिएगा तो मात्र 6 या 7 वार्ड में है। और देखा जाए तो राजेश रंजन पप्पू के बारे में, जहाँ तक हम लोग जानते हैं वो कुम्हराड़ के ही हैं, क्या कुम्हराड़ इस बार अपने बेटे को मौका दे रही है? घर के लड़के हैं, दोनों बाहरी हैं, एक सिवान से है, एक नालंदा से है। वोट मांगने जाते हैं तो क्या लगता है कि कोई हर व्यक्ति जाना पहचाना रहता है या लगता है? लगभग लोग पहचाना हुआ लग रहा है, कुछ कुछ एरिया में जाते हैं तो लगता है कि हम अपने गाँव में आ गए। नंदाल छपरा जो पुराने हमारा गाँव हुआ करता था, जो सदियों वहाँ हमारे बाबा दादा रहते थे, लोग कहते हैं अरे फलना के पोता है, बाबा का नाम से लोग जानते हैं। क्योंकि जिस तरीके से मदद किया आप लोगों ने जल जमाव में, क्या लोगों को याद है वो जल जमाव? लोगों को याद है लगभग राजेंद्र नगर कंकड़बाग के लोगों का कहना है कि आप लोग आए हैं क्यों, अगर हम लोग आपका दूध और पानी का कर्ज नहीं उतारेंगे तो हम लोग का जीवन बर्बाद है। दूध और पानी का कर्ज लोग उतारने को तैयार है, लगभग कंकड़बाग राजेंद्र नगर के सभी लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को दूसरे एरिया में कंपनी कहिए जहाँ बाढ़ नहीं आया था, जहाँ बाढ़ आया था वहाँ आने की क्या जरूरत है, यहाँ तो आपने एक साल से मदद किए और इस बार परिवर्तन होगा और निश्चित होगा। टक्कर में कोई दिख रहा है? टक्कर में कोई नहीं दिख रहा है। आप चले जाइए किसी भी क्षेत्र में जाइए, हम तो बुनियादी सवाल पर किए हैं, 11 मुद्दा दिए हैं, 3 साल में अगर हमें मिलेगी मौका तो हम 11 मुद्दे पर काम करेंगे, वो हमें दिए हैं एफिडेविट करके कोर्ट से, नहीं तो इस्तीफा देने की गारंटी दी है। 3 साल में आप भी विधानसभा इस्तीफा दे देंगे? रामपुर नहर के लिए, जिस रामपुर नहर के लिए सुशील कुमार मोदी जी अनशन पर बैठा करते थे 15 साल से, बिहार के उप मुख्यमंत्री, अभी फिर रामपुर नहर पर जाइएगा तो 3 महीना वहाँ कादो रहते हैं सड़कों पर। घर की तरफ आप गए कि नहीं? वोट गए हैं, उनके बगल के लोग कह रहे हैं आप लोग क्यों आए हैं, उनके बगल के लोगों को पानी पिलाया था। मोदी के पड़ोसी आपको वोट देंगे? देंगे, आप जाके उनसे कर लीजिएगा, 1-2 चैनल ने किया है इंटरव्यू, 1-2 चैनल किया है कि हमारा बेटा अंकल आवाज़ दे रहा था, वो पलट के देखे नहीं थे, वो दिन हम कैसे भूल जाएंगे। हनुमान नगर में जाते हैं बूढ़ा बुजुर्ग रोने लगते हैं कि आपने हमको एक साल का पुराना दिन याद दिला दिया कि आपका दूध मिला था तो हम अपने पोते पोतों को 2 दिन दूध पिलाए थे। आखिरी सवाल आप सही है कि जब राजनीति होती है बिहार में तो जाति की बात होती है, कायस्थ समाज जो है वो काफ़ी प्रभावी रहा है राजेंद्र नगर और कंकड़बाग में, तो क्या लग रहा है ऐसे में बीजेपी को छोड़ पाना मुश्किल होगा? देखिए, कायस्थ वोटरों का महत्व नहीं रहा है कुम्हराड़ विधानसभा में, कुम्हराड़ विधानसभा में बीजेपी के वोटर हैं, कायस्थ हैं, बनिया है, मेहता है और चनवंशी थे,
अति पिछड़ा का वोटर है। वोटर क्या लगता है इसमें बीजेपी को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, उनका जो परंपरा वोट है, जो बाढ़ में जो दंश झेले हैं, इस बार विकास के नाम पर वो वोट नहीं देंगे। बीजेपी का विकास दे, हाँ वो लोग कहना है कि 30 साल से मोदी विकास देखा, कितना दिन विश्वास करे, हर बार बोलते हैं 5 साल, 30 साल 6 बार मौका दिया, लगातार 30 वर्षों से कुम्हरार विधानसभा बीजेपी के कब्जे में है, और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, प्राथमिक विद्यालय नहीं, रामपुर नहर नहीं, शुद्ध पेयजल लगभग आधा घर, अगर अपना घर का मैं बोरिंग नहीं कराएगा तो आधे घर को शुद्ध पेयजल की उपलब्ध नहीं है। मुद्दों पर बहस करने को भी तैयार है जी, जो जो भी आ जाए सामने, हम ओपन चैनल कर रहे हैं कि आपने देश को आज़ाद हुए 73 साल हुआ, और जहाँ तक विपक्ष की बात है, जब बाढ़ आया था तो कहाँ था विपक्ष, हर बार चुनाव लड़ते हैं, जब लोकल समस्या आता है तो उसको विपक्ष कहाँ होते हैं, जब हत्या होते हैं कभी विपक्ष नहीं दिखती है, ये कोरोना काल में विपक्ष कहाँ थे, हाँ और विपक्ष के पास तो उम्मीदवार भी नहीं थे, उनको नालंदा से भाड़ा पर हेलीकॉप्टर से मंगाया गया, सबसे बड़े उम्मीदवार कैसे, अरे हम कुम्हरार का बेटा हैं, सभी को हम लोगों का साथ मिल रहा है, जाति पाति का इस बार तो चर्चा ही नहीं है। कुल मिलाकर राजेश रंजन जो पप्पू हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से आए हुए उम्मीदवारों को वोट नहीं देने जा रही है कुम्हरार की जनता, और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जो कि कुम्हरार में रहते हैं, उनके पड़ोसी भी इनको वोट देने जा रहे हैं, दावा कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीम देखते रहे हैं। चुनावी का जो खेल है, चुनावी मैदान में जो उतरे राजेश पप्पू, खेल को बड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया है राजधानी पटना में। अगर कुम्हरार सीट पर हम ध्यान दें तो क्या गणित बीजेपी का बिगड़ सकता है? वोटर नाराज हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।